मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की बक्स में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना शहर के माधोगंज थाना इलाके की पिपरी कृष्णा कॉलोनी की है। ये शव लगभग 4-5 दिन पुराना है। 64 साल के रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की हत्या का आरोप उसकी ही 16 साल की नाबालिग नातिन पर लगा है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जबकि नातिन के कथित प्रेमी चंद्रभान की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द ही इस हत्याकांड से पर्दा उठाने का भी दावा किया है। बता दें कि मृतक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक के बेटे महेश राठौर ने सीधा आरोप अपनी नाबालिग बेटी पर लगाया है। उसने बताया कि आखिरी बार उन्होंने अपने पिता रामस्वरूप को होली से एक दिन पहले जीवित देखा था। 3 दिन से नाबालिग लड़की अपने दादा से उनकी बात नहीं करा रही थी। गुरुवार शाम को उसने फोन पर बातचीत के दौरान रामस्वरूप की हत्या किए जाने की बात बताई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग लड़की से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। माधोगंज थाना में जो है फरियादी जो है महेश राठौर ने जो दलपतपुरा गांव में रहते हैं उनको सूचना प्राप्त हुई तो सूचना पर से वो घर आए और घर पर आकर उनके द्वारा देखा गया कि उनके पिता जो है मृत अवस्था में बिस्तर पेटी के अंदर पड़े हुए हैं। तो उनकी रिपोर्ट पर से थाना माधोगंज में मर कायम किया गया और धारा 302 का संदिग्ध हालत में मृत्यु होने से 302 का अपराध पंजीवृत किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है।